सिंहस्थ तो ये सदियों से देश को ही नहीं विश्व को भी संदेश देता रहा है। सिंहस्थ का सबसे पहला संदेश तो ये होता है, भेदभाव से मुक्त समाज। आपने भ्रमण करके यहाँ देखा होगा कि बड़े बड़े यहाँ पंडाल भोजन के बने हैं, मंदिरों के द्वार खुले हैं, माँ छपरा का विशाल घाट है, कहीं भी आपको भेदभाव की कोई रेखा नहीं दिखाई देती। सब लोग, भाषा का कोई भेद नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, प्रांत का कोई भेद नहीं, सब एक लाइन में बैठ कर के भोजन करते हैं। सब के लिए मंदिरों के द्वार खुले हैं, सब एक घाट पर स्नान करते हैं और सब के साथ एक जैसा व्यवहार है। न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई VIP यहाँ कल्चर है। तो सबसे बड़ा कुंभ मेले का तो पहला संदेश यही है कि भेदभाव और रहित समाज। और जब तक समाज से हमारे ये भेदभाव नहीं मिटेगा, तब तक समाज की दूरियां नहीं मिट सकती। तब तक हम न ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, न हम मानवता की ओर बढ़ सकते हैं, न हम मानवीय मूल्यों की कदर कर सकते हैं। तो इसलिए कुंभ मेलों का सदियों से आयोजन होता रहा, इसके और इनकी परंपराएं आज भी जीवंत हैं और लोग इतना दौड़े चले आते हैं इनमें। क्यों आते हैं? कि इसलिए कि इनमें आत्मीयता मिलती है, आत्मीयता मिलती है और इसी आत्मीयता का जो भाव है वही लोगों को खींच करके कुंभ मेलों की ओर लाता है।